या राधिका आपटे की एक्टिंग वैसे काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, और इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा कमाल की एक्टिंग की है, और काफ़ी हटके मूवी थी, काफ़ी अलग थी और अच्छा लगा। कितने डरे आप और कितने परेशान हुए? बीच बीच में कहीं कहीं जगह थोड़ा सा डर लगा, और ठीक है, डायरेक्शन अच्छी है काफ़ी, और बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह काफ़ी अच्छा है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फील आता है। और मतलब राधिका आपटे कमाल की एक्ट्रेस, आउट ऑफ 5-4 बहुत अच्छी है। इसमें डायरेक्शन वाइज भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है इसकी, इस तरह की और मूवीज़ बननी चाहिए। राधिका आप्टे का इस मूवी में बेस्ट परफॉर्मेंस है, वन ऑफ द देखा जाए तो। फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में, और मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा इस मूवी को। द मूवी वॉज ओके क्वाइट। राधिका आप्टे हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, सो गो स्लो फॉर अ बिट एंड क्वाइट अ गुड थ्रिलर फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, एंड आई वुड रेट इट से अबाउट 3 out of 5। या फोबिया मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है राधिका आप्टे की इस मूवी में, और इस मूवी का अगर मैं रेट करना चाहूँगा तो 3.5 out of 5 दूंगा। थैंक यू। या इट वाज अ गुड मूवी। और क्या अच्छा लगा आपको? एक्शन क्या था? या नाइट्स एक्शन एंड इट वाज अ गुड मूवी। कितनी रेटिंग देना चाहिए? 4 stars। फिल्म तो बहुत बढ़िया थी, काफ़ी रियलिस्टिक लगी थी, बीच बीच में डर भी गया था, बड़ा मज़ा आया देख के, म्यूज़िक व्यूजिक भी एक नंबर लगा था। बाकी तो मैं 4 रेटिंग देना चाहूँगा फिल्म को, और इच्छा तो हो रही है फिर से एक बार जाकर देख लूँ, काफ़ी बढ़िया फिल्म थी। मैक्सिमम एक सस्पेंस होता है फिल्म में, जो बेसिकली रहता है फिल्म में, बहुत सा सस्पेंस था, मतलब आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी जानने की। जैसी फिल्म देखी तो फिल्म तो एक नंबर लगी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, एंड मैं 4 रेटिंग देना चाहूँगा। बायोपिक जब हम देखने जाते हैं, जब हम बायोपिक देखने जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है कि जिसकी ज़िंदगी पे फिल्म बन रही हो वो आदमी वैसा दिख जाए, एक्टर वैसा दिख जाए। और मुझे लगता है इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि वीरप्पन ऐसा दिख रहा है, तो हमने क्योंकि 90s के टाइम में वीरप्पन को न्यूज़ में इतना देखा है कि हमें वो चेहरा याद था, तो ये इतने वक्त बाद इसकी फिल्म देखने को मिली तो अच्छा लगा। मैं 5 में से 3 स्टार इसको दे सकता हूँ। इट्स अ गुड मूवी। The director and the person is going to show about the south side, how Veerappan has gone to and how he used to cave his target, how he covered the south side. It's in the jungle, so the location and all, everything he has covered up. So it's a good movie. Do watch for this. Okay, thank you. What rating would you like to give to this out of 5? Okay, 5, 3. Thank you. Yeah, thank you. It's a nice movie. After a long time, RGV has made a nice movie, and it's a realistic movie. So everyone should go and watch it. Kitna rating dena chahiye? 5. I think so. It's take it 3.5.